महंगा या किफायती? आपका कॉलेज कैसा है? लॉकर सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनर्स, फेशियल रिकॉग्निशन, डीएनए टेस्टिंग। प्रवेश करने की अनुमति है। स्वागत है मिस्टर आर्ची, आपका लॉकर खुला है। ओह नहीं, मैं अपनी नोटबुक भूल गया, मुझे फिर से शुरू करना होगा। बेकार कॉलेज में लॉकर काफी साधारण होते हैं। हम दरवाजा नामक एक सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और मेरा लॉकर खुला है। उप्स, दरवाजा नहीं, दिक्कत नहीं। हमारी अगली क्लास के लिए आपका असाइनमेंट है शेक्सपियर की ट्रेजेडी हेमलेट को याद करके आना और शेक्सपियर का ऑटोग्राफ लाना। आज के लिए इतना ही। सात आठ क्लास हो गई, हम जाने के लिए आजाद हैं। हमने क्या पढ़ा? मुझे नहीं पता। हम बहुत अमीर हैं। हम स्कूल में रहते हैं। अमीरों वाली पढ़ाई करना बहुत बढ़िया है। आखिरकार आपका होमवर्क है बुक का पेज 22 खोलना। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुम्हारी बारी। रिंग रिंग। आउच, मैं लगभग बहरा हो गया था। अमीर बच्चों के पास सिर्फ बैग पैक्स नहीं होते, उनके पास अपनी टेक्स्ट बुक को ले जाने के लिए स्पेशल गार्ड्स होते हैं। जल्दी करो, हमें देर हो गई। क्लास खत्म हो गई। हम अपने बैग पैक कर सकते हैं। ये सुविधाजनक डिजाइन है। देवियों और सज्जनों, अपने टेस्ट के लिए तैयार। कृपया सारे सेल फोन्स दूर रखें, झांकना नहीं। फोन काफी पुराना तरीका है। अमीर कॉलेज में हम सिर्फ कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे गूगल ग्लासेस मुझे हमेशा सही जवाब दिखाते हैं। एक टेस्ट, मैं इरेजर में चिट चिट छिपा दूंगी। पुराना तरीका। गुड मॉर्निंग देवियों और सज्जनों, चलो शुरू करें। हेलो, गम चाहिए? इस महंगे प्राइवेट कॉलेज में तुम अपने डेस्क के नीचे बंद गम का पूरा पैक पा सकते हो। कोई गम चाहिए आर्ची? शुक्रिया, मेरे पास मेरी खुद की है। कुछ गम चाहिए समांथा? नहीं शुक्रिया, मेरे डेस्क के नीचे गम है। सिर्फ एक पैक नहीं बल्कि दो है। कुछ गम लो प्रोफेसर। शुक्रिया, मेरे पास मेरा गम है, खासकर टीचर्स के लिए। ये बोरिंग है। तुम एक गरीब कॉलेज में भी डेस्क के नीचे गम पा सकते हो। ओह मैं लकी हूँ। लेकिन तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि गम के इस टुकड़े ने पूरे डेस्क को पकड़ा हुआ है। उप्स, मैंने ये तोड़ दिया। प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर पूरे बोर्ड को क्वेश्चन से भर देता है। जवाब किसे पता है? नहीं, ठीक है मिस्टर आर्ची, इसे ट्राई करने का तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सही जवाब है। लेकिन हम मुश्किल में हैं। हमारे बोर्ड में जगह खत्म हो गई है। कोई बोर्ड मैनेजर को बुलाओ। जब अमीर कॉलेज में बोर्ड पर जगह खत्म हो जाती है, वो बस बोर्ड बदल देते हैं। शुक्रिया हेनरी, आगे बढ़ते हैं।
बोर्ड अच्छे भाग में खत्म हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, सोच लो जो मैं हवा में लिख रहा हूँ, समझ गए? हाँ, क्या मैंने सब सही लिखा है? नहीं, आराम और विश्राम का पल है, हम अपनी मसाज चेयर्स का आनंद ले सकते हैं। कितना अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मसाज। ये बहुत अच्छा है कि मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स हैं। देवी और सज्जनों, आज हम केमिस्ट्री की क्लास में एलिक्सिर ऑफ यूथ का फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छे से ध्यान दें। ये साइंस का जादू है। यूनिकॉर्न टीयर्स और कटलफिश सलावा मिलाएं। दरपार सीधा घुमाएं। और आखिरी इंग्रेडिएंट ड्रैगन पाउडर है। ये रहा, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। अपनी नोटबुक्स में विधि लिखें। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को देखो जो उन्होंने अमीर कॉलेज में किया है। तुमने सब कुछ देखा है ना? याद है उन्होंने क्या किया था? कूल, चलो वापस अपने कमरे में चलें। आज सीजन का पहला खेल है। इस साल हमारे कॉलेज ने स्पैनिश नेशनल टीम से एक प्रोफेशनल डिफेंडर खरीदा है। वो निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि हम जीतें। और ये हमारी नई चीयरलीडर है, इंटरनेशनल चीयरलीडिंग एसोसिएशन के गोल्ड मेडलिस्ट। हम इस साल जरूर जीतेंगे। खेल के बारे में परवाह भी कौन करता है। आज सीजन का पहला खेल है। इस साल हमारे कॉलेज ने सभी प्लेयर्स के लिए नई यूनिफॉर्म्स खरीदे हैं और चीयरलीडर्स के लिए भी। चलो हम अपने चैंपियंस को सपोर्ट करते हैं। टीम, चलो। माफ करना प्रोफेसर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम हमेशा लेट क्यों होती हो समांथा? क्या तुमने समय देखा है? मेरे पास घड़ी नहीं है प्रोफेसर। ओह, मैं देख सकता हूँ कि तुम लेट क्यों हो। यहाँ, तुम मेरी घड़ी में समय देख सकती हो। वो ये एक पूरे पर्सनल बिग बैंग की तरह है। क्या तुमने इसे बजते हुए सुना है? ये घंटी 100 साल पुरानी है। तो अपनी सीट पर जाओ समांथा, पहले ही 9 बज चुके हैं। मेरी घड़ी कभी देर नहीं करती। रोल कॉल। तुम इधर हो, वो सोता हुआ लड़का मौजूद है। और वो कहाँ है? वो हैट वाली ब्लॉन्ड। हाँ, वो फिर से लेट है। माफ करना टीचर, क्या तुमने समय देखा है? ये 9 बज चुके हैं। आपकी घड़ी तेज है, मेरी में सिर्फ 8:56 हुए हैं। ठीक है, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। देवियों और सज्जनों, अपने लैपटॉप खोलो। क्या तुमने समय से पहले प्रैक्टिस की? ये बहुत ही अच्छी बात है। हाय। वाह, क्या ये एक लैपटॉप है? मुझे देखने दो, ये बढ़िया है। वाओ, बहुत बढ़िया। देवी और सज्जनों, एक पॉप क्विज का समय। सबसे पहले कौन है? मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर आर्ची, बोर्ड पर आओ। प्लीज इस सवाल का जवाब दो, इन साइंटिस्ट में से किस पर एक सेब गिरा था? रुको। न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ये सही जवाब है। आज चीजें सीखो लेडीज। अगला सवाल, कौन से साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था? जवाब किसे पता है? जेनिफर, सोचने की कोशिश करो। हाँ, वो कौन थे? मुझे हिंट चाहिए। अंत में ये आदमी, वो एक पुराने स्वेटर में आदमी। सही जवाब। बढ़िया, बहुत बढ़िया जेनिफर, बहुत बढ़िया क्लास।
दोस्तों, मेरे पास एक सवाल है। कौन से साइंटिस्ट पर सेब गिरा था? खैर, वो सिर्फ एक खाया हुआ सेब था। इन बेचारे साइंटिस्ट को देखो, जवाब किसे पता है? हाँ, आहा, खैर, ओह, हमें बताओ। आहा, ये एक सेब है। हाँ, वाह। आज चाइन को देखो और उनका फॉर्मूला पूरा करो। बोर्ड पर आओ। हाँ? मुझे जवाब बताओ। हर कोई जेनिफर की मदद करना चाहता है। मुझे पता है सही जवाब फूड है। क्या? आपको हमारे महंगे और किफायती कॉलेजेस पसंद आए? फिर नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, फैंसी प्राइवेट कॉलेज या मजेदार किफायती कॉलेज। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल पर क्लिक करें।